गई उस पीड़ित बच्ची के पिता सामने आए हैं। उन्होंने हाईवे पर हैवानियत की पूरी कहानी बताई। हम शुक्रवार की रात को अपने घर से निकले थे, गली चौखंटी में ताऊ के लड़के रहते हैं, उनको वहां से लेके 11:30 बजे खाना वाना खा के निकले थे। दादी जी की 13वीं थी, शनिवार की शुक्रवार की रात को निकले थे। बुलंदशहर से 2 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी में कुछ लगने की आवाज आई तो उस बात पे हमने गौर नहीं दिया। वहां से कुछ दूरी पे आगे चले तो मुझे ऐसा लगा मेरी गाड़ी से कोई चीज खुल गई है। मिसेज वगैरह बच्चे वगैरह कहने लगे कि इसे खोल के जो है देख लीजिए, उतर के देख लीजिए कि आए गाड़ी से कुछ गिर गया है। गाड़ी से नीचे हम उतरे हैं, चारों टायर वगैरह हमने चेक किए हैं, कोई कुछ नहीं लगा, गाड़ी मेरी सही थी। फिर हमने गाड़ी के नीचे झुक के देखा, कोई ब्रेक पाइप वगैरह टूट गया है, लेकिन वो भी सारा सही था। जैसे ही हम खड़े हुए हैं, 4-5 लोग आते हैं, मेरी कनपट्टी पे तमंचा रखते हैं, 2 मिनट के अंदर हमारे हाथ और भतीजा था उसके हाथ बांध देते हैं। भाई, मिसेज, भाभी और बेटी गाड़ी में थे, हम तीनों लोगों को 2 मिनट के अंदर बांध के वो कच्चे रास्ते से ले जाते हैं। गाड़ी हमारी और मिसेज और बेटी उसी गाड़ी में रह जाती है। वहां से करीब 500-600 मीटर आगे जाके धान वगैरह ज्वार वगैरह खेत हैं, उस रास्ते से ले जाके हम तीनों को हाथ पैर बांध के उल्टा डाल देते हैं। उससे 10 से 15 मिनट के बाद गाड़ी वहां पे पहुंच जाती है, वहां पूरी लूटपाट करते हैं और मारपीट करते हैं, पानी भी मांगते हैं तो बहुत मारते हैं। और बेटी के साथ और मिसेज के साथ उन्होंने बहुत जो हरकत की वो सबको पता ही है, बार बार दोहरा लेंगे तो अभी वो लगती है। बस मैं, मुझे इंसाफ चाहिए। बस जब वो लूटपाट करने के बाद जो बेटी के साथ मुझे साथ किया, उसके बाद जो है वो हम गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी नहीं निकलती है, गाड़ी वहां फंस जाती है। उसके बाद जो वो कहते हैं कि हमने मना किया, वालो गाड़ी मत निकालो, मत ले चलो वहां पे, यहाँ से गाड़ी निकालो, उन्होंने जो गाड़ी निकाली, गाड़ी वहां फंस गई। उसके बाद वो कहते हैं चलो ट्रैक्टर लाते हैं, ट्रैक्टर से गाड़ी खिंचवाते हैं। वो ट्रैक्टर लेने के बहाने वहां से जाते हैं, वो कहते हैं कौन बैठा है, वो कहते हैं असलम तू बैठ जा, वो ये कह के वहां से जो है चले जाते हैं। 10-5 मिनट बाद हमने देखा कि हमें लगा कि कोई यहाँ पे है नहीं, चले गए हैं। क्यों, हम वहां पर उनसे पानी भी मांगते थे, वो मारते थे, कहीं सरिया वगैरह थी, कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे पानी या कुछ मारते थे या गर्दन ऐसे हिलाते भी थे तो मारते थे। तो हमने भाभी जी को आवाज लगाई, भाभी जी को आवाज लगाने पे कोई नहीं मारने के लिए आया। फिर उन्होंने बेटी को आवाज दी, मिसेज को आवाज दी, फिर भी कोई नहीं आया। फिर अपने हमारा जो भतीजा था उसने भैया के दांतों से हाथ खोले, ऐसे ही आपस में सब खुल के 4:01 पे हमने 100 नंबर पे कॉल किया है, वो बिजी जा रहा था। उसके बाद 4-5 बार बैल गई है, किसी ने जो है 100 नंबर वाले ने कॉल उठाया नहीं। उसके बाद हमारे मित्र नोएडा में रहते हैं, उन्हें हमने कॉल किया तो उन्होंने वहां का हमें नंबर दिया, उस नंबर पर हमने कॉल किया है। उसके बाद हमारे पास PCR वहां पहुंची। शराब की 1-2 के मुंह से स्मेल आ रही थी, लेकिन वहां पे पीते मैंने नहीं देखा है। और हम लोगों को तो उन्होंने दूर बांध के डाल दिया था, हम लोग एक साइड में पड़े हुए थे ज्वार खेत में, लेडीज वगैरह दूसरी साइड में बुल्ले गए थे पैदल। जैसे हम लेफ्ट साइड में थे तो साइड क्रॉस करके हमें पैदल के रास्ते लेके गए, गाड़ी में ही छोड़ दिया था। गाड़ी लेके उसके 10 से 15 मिनट बाद वहां पहुंचे। जब हमने यहाँ से दोस्त नंबर लेके वहाँ फोन किया है, उससे जो है 10 से 15 मिनट में वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। 4:15-16 मिनट पर उन्हें फोन किया था, 15 मिनट तो हम 100 नंबर पे ही मिलाते रहे थे, 100 नंबर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। जब उनका नंबर लेके उस पे कॉल किया, उसके 15 से 20 मिनट में पुलिस वहां पहुंच गई। कराटे वगैरह सीखती है, जाती है, वो सारा जानती है, लेकिन वहां पे जो है तमंचे के आगे किसी का कोई क्या कर सकता है, वो जब हम आदमी होके कुछ नहीं कर सके उनका, तो वो लड़की होके क्या कर सकती है। और उसे धमकी दी गई कि अगर तुम कुछ कहोगे तुम्हारे पापा को गोली मार देंगे। उसके बाद ही उसने जब आवाज लगाई है तो हमने उनसे कहा हमें मार दो सालों, हमने गाली भी दी, हमने कहा हमें मार दो। उसके बाद जो है हमारी बेटी से कुछ करना तो उन्होंने आके हमें हथौड़ों से मारा। कल हमें बुलंदशहर उन्होंने बुलाया था वो पहचान करवाने के लिए, हम गए थे वहां से, जो क्या नाम था उनका, वो आए हुए थे लखनऊ से। उन्होंने भी हमें अनुशासन दिया कि 3 महीने में न्याय जरूर होगा, जरूर होगा। हमने बोला अगर हमें 3 महीने में न्याय नहीं मिला तो हम जो है आत्महत्या करेंगे और कुछ नहीं। सदमे में ये परिवार है, जिनको जिनका कहना है कि इस घिनौनी वारदात को 3 घंटे तक अंजाम देते रहे लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अब इनको इंतजार है इंसाफ का, जो इनको जल्द से जल्द मिले तभी
इनको और इनके परिवार को संतुष्टि मिलेगी। वरुण जैन, इंडिया न्यूज, नोएडा। बेहद शर्मनाक है पूरी घटना, और एक पिता को सामने आकर ये सब कुछ बताना पड़ रहा है। और ये भी कहना पड़ रहा है कि पुलिस ने कोई मदद नहीं की, जब नोएडा फोन किया गया तब जाकर